क्या विस्तार से जानकारी दीजिए, मामला क्या है? जी कल लेट नाइट को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसके अंदर दो विलेज लेवल के लोकल ग्रुप्स के बीच में पहले किसी पैसे की चोरी को लेकर आपस में कहासुनी हुई और फर्दर जब शाम को दोनों धिर आपस में आमने सामने हुई हैं तो उन्होंने एक दूसरे की गाड़ी को रोक के पहले लाठी डंडों से एक दूसरे के साथ कुटमार की और फिर उसके बाद में वहाँ पे इलीगल वेपन यूज़ करके फायर भी किए गए। तो इसमें जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है उसके बाद में पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुंच के इसको वेरीफाई करवाया है। वेरीफाई करवाने के बाद में क्योंकि दोनों पार्टियों के लोग जिनको फायर आर्म इंजरीज है, किसी की हाथ पे गोली लगी, किसी के पैर पे गोली लगी है, ऐसे करके टोटल दोनों पार्टियों की तरफ से चार लोगों को आर्म्स इंजरी या लेग इंजरी है तो वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके अलावा तीन लोगों को ब्लंट इंजरीज, लाठी डंडों की इंजरीज हैं, वो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उनसे फर्दर फिर पूछताछ करते हुए जो है इस केस इस मामले के तहत 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दोनों धिरों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग दर्ज किया जा रहा है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी सीआई की टीम साथ में डीएसपीडी और एसएचओ मालपुर खुद कर रहे हैं और सारे लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कानून के तहत सख्त हम सजा दिलाएंगे। अभी तक 7 लोग जो हैं वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं हॉस्पिटल में जिन पे हमने गार्ड लगा दी है और जिनको जैसे डिस्चार्ज होते हैं अरेस्ट किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके और पकड़ने के लिए हमारी पुलिस टीम्स लगी हैं जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मामला किस समय हुआ है और फायरिंग कितनी हुई है, जो जिस वेपन से फायरिंग हुई है लीगल है इनलीगल है? देखो अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है उसके हिसाब से इलीगल वेपन यूज़ किया गया है और कितने राउंड मौके पे फायर किए गए हैं और वो सारी जो चीज़ है वो हम अभी वेरीफाई करवा रहे हैं। जो वहाँ पे विटनेस हैं उन्होंने बताया कि 5 से 7 राउंड इसमें फायर किए गए हैं मौके के ऊपर, बट अभी हम फर्दर वेरीफाई करवा रहे हैं। जो खोल हैं वो बरामद जो मौके से किए जा रहे हैं सारी चीज़ें वो फर्दर वेरीफाई करके हम करें। ये जो जख्मी है सर, ये किसी तरह कोई गैंगस्टर से रिलेटेड थे? नहीं, अभी तक गैंगस्टर रिलेटेड कोई भी इसमें चीज़ सामने नहीं आई है। लोकल लेवल के दो ग्रुप्स की आपस में राइवलरी है जिसके अंदर किया है, बट हो सकता है पीछे कोई हार्डकोर क्रिमिनल का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो या कोई ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी तो हम आपके साथ में डिटेल। नहीं, वेपन अभी तक कोई रिकवर नहीं हुआ है, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जल्द वेपन रिकवर किए जाएंगे और लोग फड़े जाएंगे। थैंक यू।